नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के बिष्टपुर थाना अंतर्गत सीएच एरिया स्थित सिग्नेचर अपार्टमेंट निवासी सौरभ चावला के घर चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी बिष्टपुर चूना बाजार निवासी राजू साहू उर्फ झगरू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने झगरू की निशानदेही पर चोरी किए गए 2 मोबाइल फोन और 1 टैब बरामद किया है। चोरी के सामान का बाजार मूल्य 3 लाख रुपया बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए डीएसपी सीसीआर रंजनी तिवारी ने बताया कि गुरुवार को सौरभ चावला के घर चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत थाने में की गई। शिकायत के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोर की पहचान की और राजू को गिरफ्तार किया। डीएसपी ने बताया कि राजू की निशानदेही पर चोरी के सामान को बरामद कर लिया गया है। घटना के दौरान राजू समेत 3 लोग शामिल थे, सभी खिड़की से घर में घुसे और चोरी कर फरार हो गए। सभी मोबाइल को बेचने की फिराक में थे। इसी बीच पुलिस ने राजू को पकड़ लिया। 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कितने टीम में कितने लोग थे? आज बिष्टुपुर थाना प्रभारी उमेश ठाकुर, आकाश पांडे, गोपाल पांडे द्वारा और गुरु द्वारा एक बहुत बढ़िया काम पुलिस के लिए उपलब्धि मैं मानता हूँ। विभेदन के कांड को भेदित किया गया है, साथ ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम है राजू साहू और बरामदगी में एक आईपैड है, आईफोन का, ये एप्पल का, और 2 आईफोन है। ये एक उपलब्धि है। कैसे डीसी साहब मकान में घुसा था, क्या बता पाया? कैसे घुसा, कैसे इनके क्या? बिल्कुल प्रोफेशनल चोर है, बालकनी की से घुसा और लेकर निकल गया। पहले भी शायद कांड में ये अकेले था कि और लोग था? इसमें तीन टीम में और लोग था, लेकिन हम लोग उसको खोज रहे हैं। ठीक है, ये उपलब्धि है पुलिस के लिए। गृहभेदन का कांड उपलब्धि का कांड है। लगभग कितने का सामान है? लगभग 4 लाख का हो। किनके घर में चोरी करने घुसा था सर? सौरभ चावला के घर, सीएच एरिया। सीएच एरिया कितना नंबर है? 4 सिग्नेचर बिल्डिंग।